कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य भटक रहा है, नहीं हो रहा। बहुत प्रयास कर, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, अंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डाले कि कुंदकेश्वर महादेव को गंगा में स्नान करने के लिए। हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में, तो मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी को। आपने कई जगह देखा होगा उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। और आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव तुमको डुबाते, गुप्तेश्वर महादेव तुमको डुबाते, ये लिए उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है जिम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के पर, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए, और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा।